आज की शिक्षक पर्व की उद्घाटन समारोह में हमको मार्गदर्शन करना और संबोधित करने के लिए उपस्थित देश की लोकप्रिय जननेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहयोगी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर सुभाष सरकार जी, परम आदरणीय प्राचार्यगण, शिक्षकगण, प्यारे विद्यार्थियों, अधिकारी मित्रगण, मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। विशेष रूप में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। पिछले दो महीने में हमारी जो नई टीम आपकी निर्देश में बनी है, उस दो महीने में हमारा यह अनुभव आया और उसमें से आपने एक बड़ा संदेश देश को दिया है। ये तीसरे कार्यक्रम आप निरंतर शिक्षा विभाग में स्वयं मार्गदर्शन करने के लिए, ये सिर्फ मार्गदर्शन नहीं है, ये प्रमाणित करती है देश की शिक्षा व्यवस्था, देश की आत्मा के ऊपर आपकी लगाव कितना है, आपकी प्रतिबद्धता कितनी है और आपकी कल्पना क्या है देश की नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए। प्रधानमंत्री जी, मैं आज एक दो विषय ऐसे उल्लेख करना चाहूंगा। मैं इससे जुड़े हुए तमाम लाखों विद्यार्थी, लाखों अभिभावक और लाखों प्राचार्य और शिक्षक गण के सामने ये कहना चाहूंगा, अभी अभी एक सर्वेक्षण में विश्व जब एक नई चुनौती में गुजर रहा है, पैंडेमिक के कारण विद्यालय, महाविद्यालय दुनिया भर में एक क्रॉस रोड में खड़ा हुआ है, उसी समय में हमारी देश को नेतृत्व आप कर रहे हैं और आपकी स्वीकृति ना केवल देश के अंदर आज विश्वास के केंद्र बना है, विश्व के अंदर आप सबसे भरोसा और लोकप्रिय नेता करके आप आगे आए हैं, इमर्ज किए हैं, विश्व की कम्युनिटी आप पे भरोसा रखा है। वैसे ही हमारे देश के लिए जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारे लिए और एक गौरव की क्षण ठीक एक महीने के बाद आएगा। शायद आजाद भारत में आप पहला जननेता होंगे जिनको देश की जनता ने निरंतर 20 साल तक, शायद ये सौभाग्य इस प्रजातंत्र में देश की जनता आप ही के भरोसे पे दिया है, 20 साल तक एक सरकार की मुख्य के रूप में, राज्य हो या देश हो, और उसमें से शिक्षा के ऊपर आपने जो प्राथमिकता दिया है, ये 20 साल उसकी साक्षी है। आज की शिक्षक पर्व जो आपकी कल्पना है, हम सालों से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते आए हैं, लेकिन पैंडेमिक के अंदर पिछले साल आपने मार्गदर्शन किया, ये शिक्षक दिवस केवल सीमित ना रखा जाए, इसको एक पर्व के रूप में, इसमें से हमारी शिक्षा के प्रति हमारी रुचि, हमारी कमिटमेंट और हमारी योजनाएं बताने के लिए एक अवसर है। और जब 3 दशक के बाद आपकी निर्देश पे, आपकी नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, और शिक्षा नीति को जब कभी हम समीक्षा करते हैं, पढ़ते हैं, उसकी केंद्र में शिक्षक है, केंद्र में टीचर है, केंद्र में प्रोफेसर है, और आप तो स्वयं परीक्षा पे चर्चा, इस प्रकार की एक नया आयाम करके देश के विद्यार्थियों की शिक्षक, अभिभावक, मार्गदर्शक बने हैं। उसी पृष्ठभूमि में आज शिक्षा विभाग ने आने वाले 10 दिन तक अनेक सृजन, अनेक रचना, आजादी की अमृत महोत्सव, देश की आने वाले 25 साल की प्रवास, नया भारत बनाने की आपकी प्रतिबद्धता को सामने रखते हुए शिक्षक समुदाय को, इस परंपरा में शिक्षक की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको आपके दर्शन के साथ जोड़ने के लिए एक विनम्र प्रयास किया है। आज आपकी अनुमति से 5 ऐसे आयाम को आज हम लोकार्पित करेंगे आपके हाथ में, जो देश की शिक्षा जगत के लिए एक नया उपक्रम होगा। मैं पुनः आज के कार्यक्रम में जुड़े सभी महानुभवों को आभार प्रकट करता हूं और सबको स्वागत करता हूं, और आपको भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको विनती कर रहा हूं कि आज के इस कार्यक्रम की जो 5 मुख्य इनिशिएटिव है, उसको आप बटन दबा के लोकार्पित करें देश को।
बड़े और दूरगामी लक्ष्य हासिल करने के लिए दृढ़ निश्चय की नई मशाल लेकर बिना थके बिना रुके अनवरत चलना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में शुरू हुई नई शिक्षा नीति पिछले एक साल में अपनी विभिन्न पहलों द्वारा शिक्षा और सीखने का बदल रही है स्वरूप। आज इसी श्रृंखला में इससे जुड़ने जा रही हैं पांच और महत्वपूर्ण पहल। डीपीडब्ल्यूडी के भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ISLRTC द्वारा छात्रों के भाषा कौशल को बढ़ाने के लिए ISL यानी इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी के 10,000 शब्द किए गए हैं विकसित। इसमें स्कूली शिक्षा स्तर पर यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग UDL के अनुरूप ISL, स्पीच और टेक्स्ट तीनों का समावेश कर दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। इससे लाभान्वित होंगे श्रवण बाधित शिक्षक समेत 13,00,000 विद्यार्थी एवं विषय के रूप में पढ़ाने और सीखने में भी मिलेगी मदद। नई शिक्षा नीति में नेत्रहीन छात्रों के लिए सभी NCERT के पाठ्य पुस्तकों के EPUB संस्करण को टेक्स्ट टू स्पीच के बनाया गया है अनुकूल। इसके अलावा NCERT ने 2000 पाठों पर आधारित ऑडियो भी किए हैं विकसित। ये सभी सामग्री NCERT की वेबसाइट ई पाठशाला और दीक्षा पोर्टल और मोबाइल ऐप पर भी मौजूद हैं। ये 25,00,000 दिव्यांग छात्रों विशेष रूप से दृष्टि बाधित छात्रों की पढ़ाई के लिए वरदान सिद्ध होगी। NCERT द्वारा शिक्षकों के फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी FLN के लिए खेल गीत शिल्प एक्टिविटी और खिलौने आधारित सीखने की प्रक्रिया पर विशेष प्रशिक्षण कोर्स किया गया है विकसित। निष्ठा 3.0 प्रशिक्षण दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन किया जाएगा आयोजित। ये क्षेत्रीय भाषा में भी है उपलब्ध। इस प्रशिक्षण के माध्यम से लगभग 25,00,000 शिक्षक और प्रधान शिक्षक होंगे लाभान्वित और उनके शिक्षण कौशल में भी होगी वृद्धि। विद्यांजलि पोर्टल समुदाय स्वयं सेवकों को उनकी पसंद के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से सीधे जुड़कर योगदान करने में सक्षम बनाएगा। इसमें कोई भी सेवारत और सेवानिवृत्त शिक्षक सरकारी अर्ध सरकारी अधिकारी गृहिणी और कोई अन्य साक्षर व्यक्ति स्वेच्छा से कर सकता है योगदान। नई शिक्षा नीति के अनुसार CBSE केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के लिए स्टैंडर्ड्स सेटिंग अथॉरिटी SSA के रूप में कार्य करेगा। CBSE ने स्कूलों के कामकाज के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक SQAA ढांचा किया है तैयार जो सेल्फ डिस्क्लोजर आधारित है और पब्लिक डोमेन में रहेगा। 25,606 स्कूल लगभग 2 करोड़ बच्चे और 10,00,000 शिक्षक इसमें शामिल है। नई शिक्षा नीति उस भारत की नींव रखेगी जहां हमारी आने वाली पीढ़ी आसमान छूने के ख्वाब नहीं देखेगी बल्कि वो अपना आसमान खुद बनाएगी और उसमें सितारों की तरह जगमगाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई शिक्षा नीति के इन नवीन पहलों की कर रहे हैं शुरुआत। माननीय प्रधानमंत्री जी को विनम्र निवेदन करता हूं आज अभी हम सभी को संबोधित करें। नमस्कार। शिक्षक पर्व के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर सुभाष सरकार जी, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, देश के अलग अलग राज्यों के माननीय शिक्षा मंत्रीगण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी
उनकी टीम के सभी माननीय सम्मानित सदस्यगण, पूरे देश से हमारे साथ मौजूद सभी विद्वान प्राचार्यगण, शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले हमारे शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी ने कठिन समय में देश में शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के भविष्य के लिए जो एक निष्ठ प्रयास किया है, योगदान दिया है, वो अतुलनीय है, सराहनीय है। इस कार्यक्रम में हमारे जो विद्यार्थी उपस्थित हैं, मैं उनके भी चेहरे स्क्रीन पर देख रहा हूं। 1.5-2 सालों में पहली बार ये अलग सी चमक आपके चेहरों पर दिख रही है। ये चमक संभवतः स्कूल्स खुलने की लगती है। लंबे समय बाद स्कूल जाना, दोस्तों से मिलना, क्लास में पढ़ाई करना, इसका आनंद ही कुछ और होता है। लेकिन उत्साह के साथ साथ कोरोना नियमों का पालन भी हम सबको, आपको भी पूरी कड़ाई से करना है। साथियों, आज शिक्षक पर्व के अवसर पर अनेक नई योजनाओं का प्रारंभ हुआ है और अभी हमने एक छोटी सी फिल्म के द्वारा इन सभी योजनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की। ये इनिशिएटिव इसलिए भी अहम है क्योंकि देश अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के 100 वर्ष होने पर भारत कैसा होगा, इसके लिए आज भारत नए संकल्प ले रहा है। आज जो योजनाएं शुरू हुई हैं, वो भविष्य के भारत को आकार देने में अहम भूमिका निभाएगी। आज विद्यांजलि 2.0, निष्ठा 3.0, टॉकिंग बुक्स और यूएलडी बेस, आईएसएल डिक्शनरी जैसे नए प्रोग्राम्स और व्यवस्थाएं लॉन्च की गई है। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क यानी SQAAF जैसी आधुनिक शुरुआत भी हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये न केवल हमारे एजुकेशन सिस्टम को ग्लोबली कॉम्पिटेटिव बनाएगी बल्कि हमारे युवाओं को भी फ्यूचर रेडी बनाने में बहुत मदद करेगी। साथियों, इस कोरोना काल में आप सभी दिखा चुके हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का सामर्थ्य कितना ज्यादा है। चुनौतियां अनेक थी, लेकिन आप सभी ने उन चुनौतियों को तेजी से समाधान भी किया। ऑनलाइन क्लासेस, ग्रुप वीडियो कॉल, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन एग्जाम, पहले ऐसे शब्द भी बहुत लोगों ने सुने ही नहीं थे।
लेकिन हमारे टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, हमारे युवाओं ने इन्हें सहजता से दैनिक जीवन का हिस्सा बना दिया। साथियों, अब समय है कि हम अपनी इन क्षमताओं को आगे बढ़ाएं। हमने इस मुश्किल समय में जो कुछ सीखा है उसे एक नई दिशा दे। सौभाग्य से आज एक और देश के पास बदलाव का वातावरण है, तो साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी आधुनिक और फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी भी है। इसलिए पिछले कुछ समय से देश लगातार एजुकेशन सेक्टर में एक के बाद एक नए निर्णय ले रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होते देख रहा है, और इसके पीछे जो सबसे बड़ी शक्ति है उस ओर मैं आप सभी विद्वानों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये अभियान केवल पॉलिसी बेस्ड नहीं है बल्कि पार्टिसिपेशन बेस्ड है। एनईपी के फॉर्मुलेशन से लेकर इंप्लीमेंटेशन तक हर स्तर पर एकेडमिशियंस का, एक्सपर्ट्स का, टीचर्स का, सबका योगदान रहा है। आप सभी इसके लिए प्रशंसा के पात्र है। अब हमें इस भागीदारी को एक नए स्तर तक लेकर जाना है। हमें इसमें समाज को भी जोड़ना है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, अर्थात विद्या सभी संपदाओं में, सभी संपत्तियों में सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि विद्या ही ऐसा धन है जो दूसरों को देने से, दान करने से बढ़ती है। विद्या का दान शिक्षा देने वाले के जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। इस कार्यक्रम में जुड़े आप सभी शिक्षकों ने भी हृदय से ये महसूस किया होगा, किसी को कुछ नया सिखा देने का जो सुख और संतोष होता है वो अलग ही होता है। विद्यांजलि 2.0 इसी पुरातन परंपरा को अब एक नए कलेवर में मजबूत करेगी। देश ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास का जो संकल्प लिया है, विद्यांजलि 2.0 उसके लिए एक बहुत ही जीवंत प्लेटफॉर्म की तरह है, वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म की तरह है। इसमें हमारे समाज को, हमारे प्राइवेट सेक्टर को आगे आना है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना है। साथियों, अनादि काल से भारत में समाज की सामूहिक शक्ति पर भरोसा किया गया है। ये अरसे तक हमारी सामाजिक परंपरा का हिस्सा रहा है। जब समाज मिलकर कुछ करता है तो इच्छित परिणाम अवश्य मिलते हैं, और आपने ये देखा होगा और देखा है कि बीते कुछ वर्षों में जन भागीदारी अब फिर भारत का नेशनल कैरेक्टर बनता जा रहा है। पिछले 6-7 वर्षों में जन भागीदारी की ताकत से भारत में ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। चाहे स्वच्छता आंदोलन हो,
गिव इट अप की स्पिरिट से हर गरीब के घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाना हो, गरीबों को डिजिटल लेन देन सिखाना हो, हर क्षेत्र में भारत की प्रगति ने जन भागीदार से ऊर्जा पाई है। अब विद्यांजलि भी इसी कड़ी में एक सुनहरा अध्याय बनने जा रही है। विद्यांजलि देश के हर नागरिक के लिए आह्वान है कि वो इसमें भागीदार बने, देश के भविष्य को गढ़ने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, दो कदम आगे आए। आप एक इंजीनियर हो सकते हैं, एक डॉक्टर हो सकते हैं, एक रिसर्च साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप कहीं आईएएस ऑफिसर बनकर के कहीं कलेक्टर के रूप में कहीं काम करते हो, फिर भी आप किसी स्कूल में जाकर बच्चों को कितना कुछ सिखा सकते हैं। आपके जरिए उन बच्चों को जो सीखने को मिलेगा उससे उनके सपनों को नई दिशा मिल सकती है। आप और हम ऐसे कितने ही लोगों के बारे में जानते हैं जो ऐसा कर भी रहे हैं। कोई बैंक का रिटायर्ड मैनेजर है लेकिन उत्तराखंड में दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों के स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहा है निवृत्ति के बाद। कोई मेडिकल फील्ड से जुड़ा है लेकिन गरीब बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, उनके लिए संसाधन उपलब्ध करवा रहा है। यानी आप चाहे समाज में किसी भी भूमिका में हो, सफलता की किसी भी सीढ़ी पर हो, युवाओं के भविष्य निर्माण में आपकी भूमिका भी है और भागीदारी भी है। अभी हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। हमारे युवा इनसे कितना प्रेरित हुए हैं। मैंने अपने खिलाड़ियों से अनुरोध किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर खिलाड़ी कम से कम 75 स्कूलों में जाएं। मुझे खुशी है कि इन खिलाड़ियों ने मेरी बात को स्वीकार किया है और मैं सभी माननीय शिक्षक गण से कहूंगा, आचार्य गण से कहूंगा कि आप अपने इलाके में इन खिलाड़ियों से संपर्क कीजिए, उनको अपने स्कूल में बुलाइए, बच्चों के साथ उनका संवाद करवाइए। देखिए इससे हमारे स्टूडेंट्स को कितनी प्रेरणा मिलेगी, कितने प्रतिभावान स्टूडेंट्स को खेलों में आगे जाने का हौसला मिलेगा। साथियों आज एक और महत्वपूर्ण शुरुआत स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क यानी SQAA ऐप के माध्यम से भी हो रही है। अभी तक देश में हमारे स्कूलों के लिए एजुकेशन के लिए कोई एक कॉमन साइंटिफिक फ्रेमवर्क ही नहीं था। कॉमन फ्रेमवर्क के बिना शिक्षा के सभी पहलुओं जैसे कि करिकुलम, पेडागोजी, एसेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस और गवर्नेंस प्रोसेसेस, इन सभी के लिए स्टैंडर्ड बनाना मुश्किल होता था। इससे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्कूलों में स्टूडेंट्स को शिक्षा में असमानता का शिकार होना पड़ता है। लेकिन SQAF अब इस खाई को पाटने का काम करेगा। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इस फ्रेमवर्क में
अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी राज्य के पास होगी। स्कूल्स भी इसके आधार पर अपना मूल्यांकन खुद ही कर सकेंगे। इसके आधार पर स्कूलों को एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज के लिए प्रोत्साहित भी किया जा सकेगा। साथियों, शिक्षा में असमानता को खत्म करके उसे आधुनिक बनाने में नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्किटेक्चर यानी एनडीआर की भी बड़ी भूमिका होने वाली है। जैसे यूपीआई इंटरफेस ने बैंकिंग सेक्टर को रिवर्सलाइज कर दिया है, वैसे ही एनडीआर सभी एकेडमिक एक्टिविटीज के बीच एक सुपर कनेक्ट का काम करेगा। एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना हो या हायर एजुकेशन में एडमिशन, मल्टीपल एंट्री एग्जिट की व्यवस्था हो या एकेडमिक क्रेडिट बैंक और छात्रों की स्किल्स का रिकॉर्ड, सब कुछ एनडीआर के जरिए आसानी से उपलब्ध होगा। ये सभी ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे न्यू एज एजुकेशन का चेहरा भी बनेंगे और क्वालिटी एजुकेशन में भेदभाव को भी खत्म करेंगे। साथियों, आप सभी इस बात से परिचित हैं कि किसी भी देश की प्रगति के लिए एजुकेशन न केवल इंक्लूसिव होनी चाहिए बल्कि इक्विटेबल भी होनी चाहिए। इसलिए आज देश टॉकिंग बुक्स और ऑडियो बुक्स जैसी तकनीक को शिक्षा का हिस्सा बना रहा है। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग यानी यूडीएल पर आधारित 10,000 शब्दों की इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी को भी विकसित किया गया है। असम के बिहू से लेकर भारतनाट्यम तक सांकेतिक भाषा हमारे यहां सदियों से कला और संस्कृति का हिस्सा रही है। अब देश पहली बार साइन लैंग्वेज को एक सब्जेक्ट के रूप में पाठ्यक्रम का हिस्सा बना रहा है ताकि जिन मासूम बच्चों को इसकी विशेष जरूरत है वो किसी से पीछे न रह जाए। ये तकनीक दिव्यांग युवाओं के लिए भी एक नई दुनिया का निर्माण करेगी। इसी तरह निपुण भारत अभियान में 3 वर्ष से 8 साल तक के बच्चों के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन लॉन्च किया गया है। 3 साल के उम्र से ही सभी बच्चे अनिवार्यतः प्री स्कूल शिक्षा प्राप्त करें, इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इन सभी प्रयासों को हमें काफी आगे तक लेकर जाना है और इसमें आप सभी की, विशेष करके हमारे शिक्षक मित्रों की भूमिका बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, दृष्टांतो नैव दृष्टः, त्रिभुवन जठरे सद्गुरोः ज्ञानदातुः। अर्थात पूरे ब्रह्मांड में गुरु की कोई उपमा नहीं होती, कोई बराबरी नहीं होती। जो काम गुरु कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज देश अपने युवाओं के लिए शिक्षा से जुड़े जो भी प्रयास कर रहा है उसकी बागडोर हमारे इन शिक्षक भाई बहनों के ही हाथों में है।
लेकिन तेजी से बदलते इस दौर में हमारे शिक्षकों को भी नई व्यवस्थाओं और तकनीकों के बारे में तेजी से सीखना होता है। निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्राम से, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के का एक अच्छा सा निष्ठा आपके सामने अभी प्रस्तुत किया गया। इस निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए देश अपने टीचर्स को इन्हीं बदलावों के लिए तैयार कर रहा है। निष्ठा 3.0 अब इस दिशा में एक और अगला कदम है और मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण कदम मानता हूं। हमारे टीचर्स जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग, आर्ट इंटीग्रेशन, हाई ऑर्डर थिंकिंग और क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग जैसे नए तौर तरीकों से परिचित होंगे तो वो भविष्य के लिए युवाओं को और सहजता से गढ़ पाएंगे। साथियों, भारत के शिक्षकों में किसी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड पर खरा उतरने की क्षमता तो है ही, साथ ही उनके पास अपनी विशेष पूंजी भी है। उनकी विशेष पूंजी, ये विशेष ताकत है उनके भीतर के भारतीय संस्कार। और मैं आपको मेरे दो अनुभव बताना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री बनकर के जब पहली बार भूटान गया तो वहां का राज परिवार हो, वहां के शासकीय व्यवस्था के लोग हो, बड़े गर्व से कहते थे कि पहले हमारे यहां करीब करीब सभी टीचर्स भारत से आते थे और यहां के दूर सुदूर इलाकों में पैदल जाकर के पढ़ाते थे। और जब ये शिक्षकों की बात करते थे, भूटान का राज परिवार हो या वहां के शासक, बड़ा गर्व अनुभव करते, उनकी आंखों में चमक नजर आती थी। वैसे ही जब मैं सऊदी अरेबिया गया और शायद ये सऊदी अरेबिया के किंग से जब बात कर रहा था तो वो इतने गौरव से मुझे उल्लेख कर रहे थे कि मुझे भारत के शिक्षक ने पढ़ाया है, मेरा शिक्षक भारत का था। अब देखिए, शिक्षक के प्रति कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी पहुंचे उसके मन में क्या भाव होता है। साथियों, हमारे शिक्षक अपने काम को केवल एक पेशा नहीं मानते, उनके लिए पढ़ाना एक मानवीय संवेदना है, एक पवित्र और नैतिक कर्तव्य है। इसलिए हमारे यहां शिक्षक और बच्चों के बीच प्रोफेशनल रिश्ता नहीं होता बल्कि एक पारिवारिक रिश्ता होता है। और ये रिश्ता, ये संबंध पूरे जीवन का होता है। इसलिए भारत के शिक्षक दुनिया में जहां भी कहीं जाते हैं अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं। इस वजह से आज भारत के युवाओं के लिए दुनिया में अपार संभावनाएं भी हैं। हमें आधुनिक एजुकेशन इकोसिस्टम के हिसाब से खुद तैयार करना है और इन संभावनाओं को अवसरों में बदलना भी है। इसके लिए हमें लगातार इनोवेशन करते रहना होगा। हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लगातार रीडिफाइन और रीडिजाइन करते रहना होगा। जो स्पिरिट आपने अभी तक दिखाई है उसे हमें अब और ऊंचाई देनी होगी और हौसला देना होगा। मुझे बताया गया है कि शिक्षक पर्व के इस अवसर पर आप आज से 17 सितंबर हमारे देश में विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये विश्वकर्मा अपने आप में निर्माता है, सृजनहार है। तो 7 तारीख से 17 तारीख तक अलग अलग विषयों पर वर्कशॉप, सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। ये आपने अपने आप में एक सराहनीय प्रयास है,
देश भर के इतने टीचर्स, एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स जब एक साथ मंथन करेंगे तो इससे और आजादी के अमृत महोत्सव में इस अमृत की अहमियत और ज्यादा है। आपके इन सामूहिक मंथन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक लागू करने में भी काफी मदद मिलेगी। मैं चाहूंगा कि इसी तरह आप लोग अपने शहरों में, गांवों में भी स्थानीय स्तर पर प्रयास करें। मुझे विश्वास है कि इस दिशा में सबके प्रयास से देश के संकल्पों को नई गति मिलेगी। अमृत महोत्सव में देश ने जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें हम सब मिलकर हासिल करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी का गरिमामय मार्गदर्शन के लिए, सारगर्भक दिशा दर्शन के लिए विभाग की ओर से, देश की ओर से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।